हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग. तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और आज है हमारा जाने का दिन. तो अभी चेकआउट करना है हमें. और मैंने जो कुर्ता पहना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. सबसे पहले ये मैंने मिंत्रा से मंगवाया है. इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी. ये जो इयर रिंग्स है इसकी मैं ऑलरेडी वो वीडियो बना चुकी हूँ. और अभी हमारी बस चलने की तैयारी है. और रास्ते में अगर शायद अच्छा एक बीच बोल रहे हैं, अगर वहाँ पे कैप्चर कर पाए तो जरूर बनाएंगे वीडियो. और अदरवाइज सीधा फिर घर की तरफ चलेंगे. तो मिलते हैं कुछ देर बाद. तो जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको एक चीज़ दिखाई जाए जो मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी और आपको भी दिखाना चाह रही थी. बट अब जाते जाते मुझे ध्यान आया कि एक वीडियो बना लेनी चाहिए उनकी भी. तो चलिए मिलवाती हूँ आपसे. ये देखिए, ये एक डॉगी है और इसके यहाँ पे जहाँ पे हमने पार्किंग कर रखी थी गाड़ी की वहाँ पे है, वहाँ पे थी. और इसके शायद 4 to 5 पपीज़ हैं और बहुत ही छोटे छोटे हैं. तो मैंने सोचा इनको बिस्किट खिलाया जाए. मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि गाड़ी में मैं रखती हूँ बिस्किट्स वगैरह. तो ऐसे कोई भी मेरे को एनिमल्स दिखते हैं, जैसे कैट हो गई या फिर डॉग हो गया, कुछ भी है, तो मैं उनको बिस्किट्स डाल देती हूँ. और आपको पता भी होगा शायद डॉग्स मेरी कमज़ोरी है, मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं. तो मैंने ये, इसका मुझे लग रहा है कि जुड़वा आ गया है, बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों. बट वो खाने नहीं दे रही है इसको. जो मैं बिस्किट डाल रही हूँ वो खुद ही खाती जा रही है. उसको मैंने दूसरी तरफ डाल दिया है बिस्किट और दोनों खा रहे हैं मज़े से. अभी मैं इनको थोड़ा फेवर में लेके इनके पपीज़ दिखाऊंगी आपको. बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं. और ये देखिए, एक जो मेरा फेवरेट है वो गाड़ी के नीचे सोया हुआ है और बिल्कुल उठ नहीं रहा. उसको उसके बिल्कुल पास जाके मैं दिखा रही हूँ आपको, बट वो फिर भी नहीं जग रहा है. ये देखिए, बिल्कुल गहरी नींद में है, ये उठ गया. और इसके जो भाई बहन हैं बाकी, ये देखो, ये एक ये है इसके ऊपर सोया हुआ है, ये भी वाइट कलर का है. उधर एक ब्राउन है. ये देखो कितना प्यारा है. शू टच करना चाह रहा है उसको. और एक येरा, ये काफ़ी थे. रात को हम जब आए थे बीच से तो तब मैंने देखे थे, शायद 5-6 थे, बट अभी ये मुझे सिर्फ 3 ही दिखाई दे रहे हैं. तो इधर उधर गए होंगे धूप सेकने. तो बस इनको अभी थोड़ा बिस्किट खिला के निकलेंगे. और ऋषि अभी बिलिंग वगैरह करवा रहे हैं. ये देखिए, ये भी फैमिलियर हो गए हमसे. ये मम्मा डॉग आ गई हैं. अदरवाइज ये टच नहीं करने देती अपनी पपीज़ को. अब वो बिस्किट खिला दिए हैं तो शायद हमें टच करने दे रही है. ये देखिए, अब भी घूम रही है आसपास कि कुछ देखो, उसको दूर कर रही है. तो वो देखो आगे आके खड़ी होगी कि टच मत करो मेरे बच्चों को. और ये जाने से पहले मैं आपको पूरा व्यू और पूरा आपको दिखा देती हूँ किस उसमें होटल में रुके हुए थे, क्या नाम है, क्या फैसिलिटीज़ हैं. एक्चुअली दिक्कत ये होगी कि जो मैंने गोरिल्ला पोर्ट से मैं शूट कर रही हूँ उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है. यही दिक्कत लास्ट डे भी हुई थी. बट अब जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम मुझे पता नहीं था. वैसे अब मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है. मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है. इस होटल का नाम मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ. लेफ्ट साइड में आपको देख पा रहे हो ये पूरा स्विमिंग पूल है. और ये राइट साइड में ग्रीन जो दिख रही है सारा पूरा कैंप साइट है, मतलब छोटे कैंप्स लगे हुए हैं. आगे मैं आपको फोटोज़ भी दिखाऊंगी. और यहाँ के जो थे, जो मैनेजिंग थे, मैनेजर जो थे, उनकी हेल्प ली है हमें पूरा वीडियो शूट करने में. तो वो भी दिखाते जा रहे हैं कि क्या क्या प्लस पॉइंट है इसके. ये स्विमिंग पूल दिखा रही हूँ मैं अभी आपको. और इसके लेफ्ट साइड में डिस्को है ऊपर, मतलब रेन डांस वगैरह होता है, लाइट्स वगैरह जलती हैं. और ये सामने ऋषि हैं. ये देखिए पूरे, ना मैं आपको दिखा रही हूँ उधर, ये पूरे कैंप्स हैं जो मतलब उसमें रहना चाहते हैं टेंट वगैरह में, तो उनके लिए भी पूरा है यहाँ पे. और पार्किंग इसकी 2 है, जिस तरफ से मैं लेके आई हूँ आपको, गेट्स वाली साइड बाहर वहाँ पे कर सकते हो और अंदर भी है. ये सारे विला टाइप से बना रखे हैं, 2 स्टोरी है. और हम जहाँ रुके हुए थे वो फ्रंट वाली साइड है. ये देखिए, इसका गार्डन है और बीच में ये मंदिर सा बनाया हुआ है छोटा सा, बहुत ही सुंदर है. थोड़ा सा ऊंचाई पे है. और ये इस साइड से इसका रेस्टोरेंट आता है. ये इसका रेस्टोरेंट है, खाने वाने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो.
और हमने भी सुबह का नाश्ता नहीं किया है, तो हमारा आइडिया यही है कि अभी कुछ खाएंगे उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले मैं आपको पूरा विजिट करवा देती हूँ ताकि इन फ्यूचर में अगर आप लोग अगर प्लान करते हो तो बहुत ही अच्छा है ये, और रीज़नेबल प्राइस है इसका। तो मैं आपको, इसमें दो टाइप के रूम्स हैं, ये लग्जरी वाला है जब आप बड़ी फैमिली के साथ आते हैं, या फिर मतलब ऐसा है कि दो बच्चे हैं वो दो आप हो, या फिर दो कपल्स आना चाहें तो उनके लिए है। तो ये देख सकते हो, ये फ्रंट में वॉशरूम है और ये डबल बेड है, दो है। ये देखिए बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और एक्चुअली बात यह है कि ये नया बना है इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने आपको पूरी डिटेल अंदर भी दिखा दिया वॉशरूम की भी, और ये अब मैं जा रही हूँ और जिस टाइप के रूम में हम रुके हुए थे वो भी दिखाऊंगी मैं अभी आपको। ये देख सकते हो आप यहाँ से पूरा व्यू इसका, ये बाहर भी चेयर्स हैं, ऊपर जो बना हुआ है ऐसे ही उसमें आपको बालकनी मिल जाएगी, इसमें ऐसे है। ये सिंगल बेड वाला है, इनकी कॉस्ट आपको थोड़ा 6000 के आसपास मिलेगी, मतलब 6000 या उसके भी मतलब थोड़ा सा 6500 तक मिलेगा आपको ये वाला, और जिसमें हम रुके हुए थे वो 4500 तक मिलेगा आपको। और हम अभी पीक सीजन पे आए हैं तो शायद इसलिए 4500 का मिला है, और अगर आप ऑफ सीजन में आते हो तो शायद कम में मिल जाए। ये देखिए ये सिंगल बेड वाला है, मतलब उसमें डबल बेड थे दो, इसमें डबल बेड है वन। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ जिस रूम में हम रुके हुए थे, वो तो नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो क्लीनिंग चल रही है उसमें, बट वो कहाँ है उसकी उसी दूसरे फ्लोर पे दिखा रही हूँ। हम सब अपर मोस्ट पे थे और ये बीच वाले मिडल वाले फ्लोर पे है ये। ये देखिए इसमें भी एक बेड आएगा सामने, ये अपना टीवी आएगा, ये आपका ड्रेसिंग है, यहाँ पे मैंने देखा है कि जहाँ पे बीचेस वाले एरिया रहते हैं वहाँ पे ना होटल वगैरह क्लीन सबसे मेन उनकी प्रायोरिटी ये रहती है कि क्लीनिनेस ना मिले ना तो बहुत ही गंदी स्मेल आ जाती है। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि रेस्टोरेंट में हम आ गए हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ऋषि और विशु दोनों हमारे मेरे साथ हैं। एक्चुअली मुझे तो सफ़र के नाम से ही भूख लगनी बंद हो जाती है, बट फिर भी थोड़ा सा वोमिट ना हो तो इसलिए मुझे थोड़ा खाना पड़ता है। तो विश्व का मन है यहाँ पे प्रॉन्स खाने का, वैसे हमें 3 दिन हो गए हम नॉनवेज ही खा रहे हैं, तो अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है नॉनवेज खाने का, बट विश्व अपने लिए प्रॉन्स बोल रहा है तो अभी उसको वो लेगा। और बाकी मेरा मन है बिल्कुल सिंपल प्लेन मूंग की दाल खाने का, ताकि बहुत हैवी हो रखा है 2-3 दिन से हम जो नॉनवेज खा रहे हैं, तो बिल्कुल लाइट खाने का मन कर रहा है। तो अभी ऑर्डर हम दे चुके हैं और बस उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और इसके बिल्कुल आप वॉकिंग डिस्टेंस, ये जो रेस्टोरेंट मैंने आपको बताया है और ये होटल जो बताया है इसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है बीच, तो आप चल के जा सकते हो इजीली। तो बस मैं अभी आपको ये पूरे रेस्टोरेंट के बारे में बता रही हूँ जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और बस अब वेट हो रहा है खाने का नाश्ते का। अच्छा इस होटल के पास में, अच्छा मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये विंडोज़ वगैरह दिखा रही हूँ मैं आपको कि पूरी क्रॉस वेंटिलेशन हो रखा है, बहुत ही अच्छी हवा रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बिल्कुल इसके जो नियर पास जो बीच है वहाँ पे कैमल राइड वगैरह। बातें करते करते ही विशु के प्रॉन्स आ चुके हैं, और जब से वो इधर आया है उसको 3 दिन हो गए लगातार वो प्रॉन्स ही खा रहा है, पता नहीं उसको क्या क्रेज़ चढ़ा है प्रॉन्स खाने का। और मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको उसके प्रॉन्स, और सॉरी लोग जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए, हालांकि मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ बट मैं प्रॉन्स खाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों जो दिमाग में इमेज बनी हुई है उसकी वजह से। बाकी विशु और ऋषि ने टेस्ट किया तो वो तो अच्छा बता रहे हैं कि काफ़ी टेस्टी है, बट मैं नहीं खा पाऊँगी शायद, मैं फिश और मटन और चिकन खा लेती हूँ बट ये नहीं खा पा रही हूँ, पता नहीं क्यों अंदर से मन नहीं कर रहा है, और वो मज़े से खा रहे हैं दोनों। और ये मैं आ चुकी हूँ बीच पे,
और ये जो बिल्कुल नी बीच हमारे और जो होटल था उसके बिल्कुल पास है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। दो बीचेस एक्चुअली इसके पास दो बीचेस हैं, एक जो हम बिल्कुल आए थे उस दिन आप फर्स्ट डे वाले दिन मैंने जो आपको दिखाया था जो नागाओं बीच था वो भी पास है बिल्कुल, और एक ये भी पास है। दोनों बिल्कुल मैंने बताया था ये सारे अलीबाग के बीचेस हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हैं ये। तो ये देख रहे हैं आपके सामने मैं चल के जा रही हूँ, तो ये आप पीछे भी देख सकते हो वही जो फिशेज मैंने दिखाई थी वो बैठे हुए हैं सारे आंटीज, और ये कैमल राइड है, हॉर्स राइडिंग है यहाँ पे। और यहाँ की मिट्टी मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखो आप ये थोड़ी ब्लैकिश है यहाँ पे मिट्टी, और जो काशी में मैंने दिखाई थी अब आप डिफरेंस बिल्कुल बता पाओगे कि वो वाइट थी और ये ब्लैकिश है। और ये भी काफी सुंदर बीच है, यहाँ पे भी आप इजीली एक दो घंटा निकाल सकते हो। तो अभी तो हमारा चलने का प्लान था तो हमने शूज वगैरह भी डाले हुए थे, तो कुछ ऐसा था नहीं कि हमने भीगना है कुछ ऐसा, तो एक दो बस फोटो शूट करके और हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं घर पे अभी, और अभी हुए हैं शाम के 4 बज गए हैं, आते वक्त दूध लेके आए हैं रास्ते से, तो अब चाय बना के पियेंगे और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे। अगर आपको पसंद आया ये व्लॉग तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।